टोक्यो रेवेंजर्स की फ्रेंचाइजी ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की है। सीरीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि गूगल सर्च ट्रेंड्स के अंदर जुजुत्सु काइसेन को भी पास आउट कर दिया था। ऑथर केन वाकुई ने यह अमेजिंग स्टोरी बनाई जिसके अंदर गैंग मेंबर्स, टाइम ट्रैवल, सेक्रीफाइस और फ्रेंडशिप को दिखाया गया है। कुछ पॉइंट पे आपको लग सकता है कि ऑथर केन वाकुई को ऐसे आइडियाज़ आते कहाँ से थे, लाइक गैंग मेंबर्स के और टाइम ट्रैवल्स के। तो एक्चुअली में बात यह है कि जो केन वाकुई है वो खुद भी एक गैंग के मेंबर हुआ करते थे 2000 के अंदर, और वहीं से वो जो है टोक्यो रेवेंजर स्टोरी के लिए इंस्पायर्ड हुए। 2019 में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें कि उन्होंने बताया कि वो हमेशा से जो है गैंग्स के बारे में कोई एक स्टोरी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं था कि आज के समय पर जो है वो गैंग्स जो होती कैसे दिखती आज के टाइम पर। तो उनके दिमाग में ये टाइम ट्रैवलिंग का आइडिया आया जिससे कि वो अर्ली 2000s के टाइम के दृश्य को हमारे सामने ला सकें और उस समय पे क्या क्या हुआ करता था वैसा हम कुछ आज के टाइम पे देख सकें। सो ऑथर ने फाइनली इंस्पिरेशन ली और इसको बनाया। इसमें ये भी बात है कि इन्होंने रीज़ीरो एनिमे और इरेज्ड जैसे एनिमे का भी यूज़ किया है, वहीं से इन्होंने जो आइडियाज़ भी लिए हैं। और ऑथर ने ये भी कहा है कि वो कोई अच्छे बालक नहीं थे स्कूल के अंदर, उन्हें उनके खराब व्यवहार के वजह से 1 महीने के लिए स्कूल से बाहर भी निकाल दिया गया था। अब सवाल है कि आखिर टोक्यो मांजी गैंग ही क्यों बनाई गई, तो आप इस पोस्ट के अंदर भी देख सकते हैं जो कि रेडिट पर डाली गई थी। इसमें यह बताया गया था कि एक ब्लैक एम्परर गैंग थी जिसके अंदर ऑथर खुद भी थे। टोक्यो मांजी गैंग का जो ड्रेस कोड है वो भी ब्लैक कलर में होता है, और उन्होंने वहीं से इंस्पायर होकर इसकी एडेप्टेशन लाई। टोक्यो रेवेंजर जो है मांगा सीरीज है जो कि केन वाकुई के द्वारा रिटर्न हुई, और इसका एनिमे एडेप्टेशन हुआ लिडन फिल्म्स के द्वारा और ये प्रीमियर भी हुआ। मांगा ने 44th कोदांशा मांगा अवार्ड भी जीता शोनन कैटेगरी के अंदर 2021 के अंदर। सो या सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।